दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। तो हमारे सामने जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर 5 इनटू बी टू द पावर 7 इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस टू बी टू द पावर 12। इसमें हमें ए की पावर 5 इनटू बी द पावर 7 का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि हमें कुछ बातें क्लियर हो जाएं। एक एग्जांपल के लिए हम x प्लस वाई टू द पावर 12 का एक्सपेंशन करते हैं। अगर बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से तो क्या है, 12c0 x टू द पावर 12 इंटू वाई टू द पावर 0 प्लस 12c1 इंटू x टू द पावर 11 इंटू वाई प्लस 12c2 x टू द पावर 10 इंटू वाई स्क्वायर प्लस इस तरीके से ये जाता है 12c12 एक्स टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 12। इसमें हम देखते हैं कि x की पावर जो 12 से स्टार्ट होती है और 0 तक जाती है, ऐसे ही y की पावर फर्स्ट टर्म में 0 से स्टार्ट होती है और y की पावर 12 तक जाती है लास्ट टर्म में। इसमें एक देखने की बात यह है कि फर्स्ट टर्म में 12c0 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 12c1 आ रहा है, थर्ड टर्म में c2, फोर्थ टर्म में c3, फिफ्थ टर्म में c4, इस तरीके से आता जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7, ये r प्लस 1 टर्म में आएगा दिए गए बाइनोमियल एक्सपेंशन करने पर। सपोज a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 कम्स एट r प्लस 1 टर्म इन एक्सपेंशन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 12, 12 सी आर, फर्स्ट टर्म है ए टू द पावर 12 माइनस आर इंटू जो सेकेंड टर्म है वो है माइनस 2b टू द पावर आर। और अगर कंपेयर किया जाए जो हमें दिया गया है वो क्या है, a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7, ये हमें दिया गया है। a की पावर 12 माइनस r है और यहाँ पर a की पावर 5 है, दोनों हमने माना है कि ये r प्लस 1 टर्म में आता है, तो हम यहाँ पर कंपेयर करके r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a टू द पावर 12 माइनस r इज इक्वल टू a टू द पावर 5, यहाँ से कंपेयर करने पर मिलता है 12 माइनस r इज इक्वल टू 5 या r इज इक्वल टू 7। और हमने जो टर्म सपोज किया वो क्या है, r प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 प्लस 8, 8 टर्म में a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 आएगा। अभी हमें कोफिशियंट फाइंड आउट करना है, तो कोफिशियंट क्या है इसका, इसका जो कोफिशियंट है तो यहाँ पर टी 7 प्लस 1 यानी 8 टर्म हो जाएगा 12c7 a टू द पावर 5 माइनस 2b टू द पावर 7 या 12c7 माइनस 2 को अगर अलग कर लिया जाए, माइनस 2 टू द पावर 7 इंटू ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7। अब हमें यहां पर सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो है यही है वो कोफिशियंट, और इसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू माइनस 2 टू द पावर 7, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। इसको हम लिखते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, यहीं पर हम इसको रोक देते हैं, ये है फैक्टोरियल 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 टू द पावर 7,
यहाँ फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा फैक्टोरियल 7 से, और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर आता है -101376। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ये है ए टू दी पावर 5 इंटू बी टू दी पावर 7 का कोफिशियंट। थैंक यू।